कुछ दिन पहले मैंने लोगों से एक सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे तेज तरीन चीज कौन सी है, तो कुछ लोगों ने बताया कि जहाज और फाइटर प्लेन, तो कुछ ने कहा कि चीता या फिर बिजली, चंद और लोगों ने कहा कि रॉकेट। लेकिन जो सबसे तेज तरीन चीज है उसके बारे में किसी को नहीं पता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मदरो और आप देख रहे हैं पीजेड बयाबान टीवी। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक है कि आवाज़ और रोशनी की रफ्तार कितनी है और इन दोनों में से ज़्यादा तेज़ कौन है। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को यहीं पर ही लाइक कर दो, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस इंटरेस्टिंग सफ़र में शामिल हो जाइए, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे आवाज़ की रफ्तार के बारे में। आवाज़ की रफ्तार तो कुछ खास ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताता चलूँ। आवाज़ की रफ्तार 1000 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि आवाज़ एक घंटे में 1000 किलोमीटर तक कर सकता है। अब बात करते हैं रोशनी की। सबसे पहले रोशनी क्या है? रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हम जब भी लाइट का नाम लेते हैं तो उसका मतलब होता है विजिबल लाइट, यानी कि वो रेडिएशन जिसे हम अपनी आँखों से देख सकें। रोशनी की स्पीड कितनी है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते चलें कि रोशनी दुनिया की सबसे तेज तरीन चीज़ है। आज तक साइंटिस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं बना सके हैं जो रफ्तार में इसका मुकाबला कर सके। सूरज और हमारी ज़मीन के बीच में जो डिस्टेंस यानी कि फासला है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का है, और रोशनी इस फासले को भी सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में तय करती है। अब हम आपको बताते चलें कि रोशनी की रफ्तार कितनी है। तो रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, और 1 मिनट में रोशनी 1,80,00,000 किलोमीटर तय करती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि दुनिया में सबसे तेज तरीन चीज़ कौन सी है। दोस्तों, हमें ये वीडियो बनाने में 6 दिन लगे हैं। हमारी इस मेहनत पे कम से कम एक शेयर तो बनता है। और एक बात, अगर आप हमें इस वीडियो के हवाले से अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।